नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश के लिए सुनिश्चित किए गए योजनाओं के बारे में कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में वनों के संरक्षण के लिए क्या कुछ फैसले लिए हैं, साथ ही प्रदेश में हरियाली को बरकरार रखने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। आज हम बात करेंगे पर्यावरण पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दृष्टि से 73वें वन महोत्सव के अवसर पर प्रदेश की जनता से अपील की है कि वो अपने जीवन काल में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं और उनकी रक्षा और सुरक्षा का संकल्प लें। हरा भरा रहे हरियाणा, हरियाली में बेमिसाल हरियाणा। 73वें वन महोत्सव का आगाज। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के साथ साथ उनकी रक्षा और सुरक्षा करने का भी संकल्प लेना चाहिए। हरियाणा सरकार ने पेड़ों से लगाव रखने वाले और पर्यावरण को संरक्षित करने वाले लोगों के लिए दर्शन लाल जैन पर्यावरण अवार्ड की शुरुआत की है। भविष्य में पर्यावरण से जुड़े अवार्ड का और विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र के सरस्वती वन में 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सर्वप्रथम 1857 की क्रांति के महानायक मंगल पांडे की जयंती पर उन्हें नमन किया। आज 73वां वन महोत्सव, इस अवसर पर मंच पर विराजमान मेरे साथी मंत्री, शिक्षा एवं वन मंत्री मानवर श्री कंवरपाल जी, खेलों की शान और अपने इसी क्षेत्र के हमारे विधायक बने हमारे खेल मंत्री मानवर श्री संदीप सिंह जी, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में इस क्षेत्र से हम लोगों ने जिनको चुनकर भेजा, ऐसे हमारे बहुत ही संघर्षशील हमारे सांसद श्री नायब सिंह सैणी जी, थानेसर से हमारे विधायक श्री सुभाष सुधा जी, वन एवं जीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एके सिंह जी, पीसीएसएफ श्री जगदीश चंद्र जी, श्री राजकुमार सैणी जी, श्री अशोक कुमार जी, उपस्थित सभी अन्य अधिकारीगण, सज्जन वृंद, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों व कलाकार बंधुओं, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और उस महत्वपूर्ण दिन में एक विषय तो आज 1857 की जो क्रांति हुई, देश को आजाद कराने की वो क्रांति, और उसके महानायक श्री मंगल पांडे जी, मंगल पांडे जी का आज जयंती का दिन है। इस अवसर पर मैं मंगल पांडे जी को अपनी ओर से, आप सबकी ओर से नमन करता हूं। वन महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन का पावन मास चल रहा है, हर तरफ प्रकृति ने अपनी अनूठी छटा बिखेरी हुई है। इस हरियाली में वन तो हरा भरा है ही, लेकिन मन भी हरा भरा रहता है। वन अपने आप में उत्सव है, वन में चले जाते हैं तो वृक्षों का उत्सव अनोखी छटा बिखेरता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन महोत्सव की शुरुआत सबसे पहले 1950 में कन्हैया लाल माणिक लाल ने की थी, तभी आज हम 73वां वन महोत्सव मना रहे हैं। सीएम ने कहा कि कालांतर में इस पृथ्वी पर सबसे पहले वन उगे होंगे, पृथ्वी की जितनी आयु है उतनी वनों की आयु होगी। अभी तक के शोध से पता चला है कि वन किसी और ग्रह पर नहीं है, सिर्फ पृथ्वी पर है। हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए और इनकी रक्षा और सुरक्षा करनी चाहिए। देश जब आजाद हुआ तो देश के जो पहले कृषि मंत्री थे, पहले कृषि मंत्री कन्हैयालाल माणिकलाल जी, 1950 में उन्होंने इस वन महोत्सव की शुरुआत की थी और तब से लगातार हम ये वन महोत्सव मनाते आ रहे हैं, इसलिए आज ये
73वां वन उत्सव है आजादी के 2 साल के बाद। आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन 73 सालों से हम लगातार देश में अपना ये जो वन महोत्सव मना रहे हैं, इसका अपना एक महत्व है। हम लोग इस इतिहास को दूसरे ढंग से भी जानना चाहिए। कहते हैं जो पृथ्वी के निर्माण के बाद सबसे पहले इस पृथ्वी पर कोई चीज अगर पैदा हुई होगी, वो वनस्पति हुई होगी, वो पेड़ उगे होंगे, वो वन बने होंगे। अर्थात इसका जो इतिहास है हमारे वनों का, पृथ्वी की जितनी आयु है लगभग उतनी ही आयु इन वनों की है। वन लगातार एक प्रकार से अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, तो इसलिए इस वन के कारण से हम जो है अपने जीवन को कई प्रकार से इसके साथ अपना संबंध जोड़ते हैं। हम ये भी जानते हैं कि वन जो है केवल पृथ्वी पर है, हालांकि ब्रह्मांड में और भी बहुत से ग्रह हैं। अभी तक ये कोई भी ऐसी खोज नहीं हुई है जिसके कारण से ये पता लग सके कि पृथ्वी के अलावा भी कई वन हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 73वें वन महोत्सव के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य स्तरीय वन महोत्सव में जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने पर्यावरण की सुरक्षा करना हमेशा से राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता को बताया। हरे भरे पर्यावरण के महत्व को समझते हुए हरियाणा सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार का लक्ष्य है कि वो प्रदेश में करोड़ों की संख्या में पौधे लगाए, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि वनों में भगवान का वास होता है। भगवान का अर्थ भ से भूमि, ग से गगन, वा से वायु और न से नीर होता है। ये सभी तत्व वनों में मिलते हैं। सीएम ने कहा कि वनों में पंच तत्व भी होते हैं। वन से वायु मिलती है, वनों की लकड़ी से आग जलती है, वन इस पृथ्वी पर उगते हैं और वनों की वजह से वर्षा होती है और हमें जल मिलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेड़ों में जीव होते हैं, हमें जीवों को बचाना है तो वनों को बचाना होगा। आज हर व्यक्ति को दृढ़ संकल्प लेने की जरूरत है कि वह कम से कम एक पौधा जरूर लगाए और इसे पेड़ बनने तक सुरक्षित रखे। वन जब बने होंगे तो निश्चित रूप से वनों के साथ जीव जंतु मनुष्य, इसका भी एक जिसको कहना चाहिए निर्माण हुआ, और उस समय वन और ये बाकी सब जीव प्राणी इनका स्थान अलग अलग नहीं रहा होगा, निश्चित रूप से एक ही रहा होगा। हम भी एक प्रकार से उस समय यानी मनुष्य के रूप में कोई अलग गांव बस्ती शहर के रूप में नहीं, बल्कि इन जंगलों में ही, क्योंकि जंगल ही एक हमारी निर्भरता जंगलों पर ही थी। जंगल से हम खाना खाते थे, जंगल ही हमें वायु देती है, जंगल ही हमें पानी देता है। तो जंगल और वन मनुष्य ये कोई बहुत अलग नहीं थे। हो सकता है किन्हीं कारणों से कालांतर में अपनी रक्षा सुरक्षा को लेकर के आदमी जो है जंगल से बाहर जाकर के बस्ती बनाने लग गया, क्योंकि वहां पर खूंखार जानवर भी थे। ये भी हो सकता है कि हमारे हम जिन पर निर्भर थे फलों के ऊपर तो निर्भर थे हम, पेड़ पौधे उनके जो फल मिलते थे, लेकिन कहीं ना खाने के लिए हो सकता हमने जो जीव जंतु है उनके शरीर का उपयोग किया हो, और हो सकता है एक संघर्ष आया हो। जब संघर्ष आया हो तो जीव जंतुओं ने अपनी रक्षा के लिए मनुष्य पर भी हमला शुरू किया होगा, तब ये मनुष्य अलग बस्ती में जाकर के बैठे, जीव जंतु सारे ही वनों के अंदर रहे। तो एक प्रकार से ये जो हमारा संबंध जंगलों के साथ है ये आज का नहीं, बहुत पुराना है। हमारा भी ये घर होता था, लेकिन आज भले ही हमारा आपका घर नहीं है, लेकिन जीव जंतुओं का घर तो ये आज भी है। इसलिए हम जीव जंतुओं के प्रति भी अपनी जो सहानुभूति रखते हैं, वैसे ही वनों के बारे में, पेड़ के बारे में भी ये कहा गया है कि पेड़ में भी जीव होता है। मोदी जी ने कहा है कि वनों में भगवान का वास होता है, यानी भगवान का वास किस प्रकार से, प्रत्यक्ष भगवान का वास हम कह सकते हैं, मैं दूसरी प्रकार से भगवान का वास मानता हूं। भगवान के जब हिज्जे करते हैं शब्द के, भय से बनता भूमि, गय से बनता गगन, वै से बनता वायु, फिर ऐसे बनता अग्नि और न से बनता नीर। ये पंच तत्व हैं और ये पंच तत्वों को लेकर के शब्द भगवान बना है, और ये पंच तत्व सारे के सारे वनों में मिलते हैं। वन के अंदर धरती भी है,
वन के अंदर गगन भी अर्थात गगन चुंबी जो पेड़ होते हैं बहुत लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे, वो गगन को भी छूते हैं। वन के अंदर वायु भी होती है, वन की लकड़ी की अग्नि इसका भी उपयोग करते हैं, और वन नीर का भी एक प्रकार से सृजन का एक कारण बनते हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से वनों में भगवान, वनों में परमात्मा इसका वास होता है। पेड़ में जीव होता है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। जगदीश चंद्र बसु ने अपनी लेबोरेटरी में यह सिद्ध किया है कि पौधे में, पेड़ में भी जीव है। अब ये सिद्ध अब आके विज्ञान के द्वारा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उससे पहले हमारी मान्यता नहीं थी। हमारी मान्यता तो पहले से थी कि वन में जीव होता, जंगल यानी पेड़ में जीव होता है, और इसी कारण से हमारी जो प्रकृति पूजा है उसमें हम पेड़ों को भी पूजा करते रहे हैं, जीव जंतुओं की भी पूजा करते रहे हैं, और ये जो पांच तत्व मैंने बताया इन पांच तत्वों की हम पूजा करते रहे हैं। हमारी प्राचीन संस्कार और संस्कृति ये है कि जंगल में जीव होता है, यानी वन में पौधे में जीव होता है, और प्रकृति के प्रति हमारा जो पूजा का भाव ये बहुत पहले से है। आज भी पीपल को, तुलसी को हम लोग यानी पूजा करते हैं। बहुत पेड़ ऐसे हैं जिनके हम पूजा करते हैं। तो इस नाते से हमारा जो संबंध है ये बहुत पुराना संबंध है। यदि हमने जीव को बचाना है तो फिर वनों को भी बचाना होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पौधे लगाने का सबसे उपयुक्त समय होता है जुलाई, अगस्त और सितंबर, जब बारिश होती है। ऐसे में हमें ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। सरकार हर वर्ष पौधे लगाती है, इस वर्ष भी 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। मौजूदा समय में हरियाणा का वन क्षेत्र 7.14% है। इसे 20% तक बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाना बड़ा जरूरी है, और यह जिम्मेवारी हम सबकी बनती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बागवानी करने वाले किसानों को 1 एकड़ में बाग लगाने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ 3 साल तक मुआवजा देने की योजना भी शुरू की है। और वन को बचाने का जो काम है वो हम हर व्यक्ति एक संकल्प लेता है, और खास करके ये जो वन महोत्सव जैसा विषय है इसके ऊपर भी हम लोग जा करके और हम संकल्प लेते हैं कि हर व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा। इस वर्षा के ऋतु में यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने ऐसे माने जाते हैं कि वन लगाने का एक प्रकार का यही सीजन है। इसमें वन लगाते भी हैं। लगाने के बाद हमारा दायित्व होता है उसकी रक्षा सुरक्षा करना, क्योंकि पेड़ लगाते समय तो बहुत आंकड़े बड़े बड़े हमारे पास आ रहे हैं। हमारा वन विभाग ही कहता है कि हमने पिछले साल 2 करोड़ पेड़ लगाए थे, इस बार भी 2 करोड़ पौधे हम लगाएंगे, इससे पहले भी कई सालों से 2-2 करोड़ लगते आ रहे हैं। लेकिन अगर 2-2 करोड़ सब हम स्वतंत्र हरियाणा, हरियाणा का जब अलग पुनर्गठन होकर के बना, इन अगर 54 सालों के हम 2-2 करोड़ मान लें, 100 करोड़ से ऊपर पौधे लगा करके पेड़ बन जाने चाहिए थे। और अगर 100 करोड़ पौधे लग जाते तो हरियाणा की 1 इंच भूमि पर भी पैर रखने लायक जगह ना बचती। लेकिन हम पौधे लगाते हैं, उसके बाद जो अगला दायित्व है वो है उन पौधों की रक्षा सुरक्षा करना। वो हम कई बार भूल जाते हैं, करते नहीं हैं, जल्दी से वो पौधे उजड़ जाते हैं। हमको ये संकल्प लेना होगा कि जो पौधा मैं लगाऊंगा उस पौधे की रक्षा सुरक्षा करना ये मेरी भी जिम्मेवारी है। जब तक वो पौधा बड़ा पेड़ ना बन जाए, उसकी जड़ें जमीन में नीचे तक ना चली जाए, तब तक उसकी सुरक्षा ये हमको करनी है। पेड़ पौधे हमको जीवन की तो यानी जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता उसमें भोजन, भोजन का तो ये एक प्रकार से हमारे सहायक बनते ही हैं फलों के रूप में। यहां तक फसलें, फसलों भी पौधों में से निकलनी है, वो फसलें भी हमको मिलती हैं खाने के लिए। साथ में ये जो वन है ये हमारे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं। औषधीय पौधे जिसमें से हमको आयुर्वेद के नाते से औषधि मिलती है, उस औषधि का भी हमारा शरीर किसी कारण से अस्वस्थ होता है तो उसका उपयोग होता है। बहुत ऐसे पौधों के फलों के बीज होते हैं जिसका तेल निकाल करके उसका हम उपयोग करते हैं। इसलिए हर दृष्टि से ये हमारा जीवन रक्षक ये माना जाता है।
73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा प्रदेश में हरियाली को बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं, क्योंकि हरियाणा मैदानी और कृषि प्रधान राज्य है। सीएम ने हरियाणा में पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की है, जिससे पर्यावरण में हरियाली को संतुलित रखा जाए। साथ ही सीएम ने हरियाणा में बागवानी किसानों को एक एकड़ में बाग लगाने के लिए 3 साल तक मुआवजा देने की भी योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पतंजलि योग पीठ के सहयोग से मोरनी क्षेत्र के 50,000 एकड़ में औषधीय पौधे लगाए जाने की योजना बनाई गयी है। इस योजना से वहां के किसानों को लाभ मिलेगा। औषधीय पौधे हमारे काम आते हैं और जीवन रक्षक का कार्य करते हैं। हमने अभी पिछले कुछ वर्ष पहले पतंजलि जो योगपीठ है उनके साथ मिलकर के पतंजलि जो आयुर्वेद जो उनका एक विंग है उनके साथ मिलकर के मोरनी में 50,000 एकड़ पर एक औषधीय वन इसको विकसित करने का एक समझौता किया है। उसमें बहुत प्रकार की प्रजातियां औषधीय पौधों की उन्होंने लगाई हैं और लगातार उस काम को हम बढ़ा रहे हैं और वहां के किसान को उसका मालिक बना रहे हैं कि जो भी उसमें से बिक्री होगी उसका लाभ उन किसानों को मिलेगा। मोरनी की आर्थिक स्थिति लोगों की एकदम बदल जाएगी, लोगों को व्यवसाय मिलेगा, इस नाते से इस काम को भी हमने किया है। मुख्यमंत्री ने वनों के महत्व पर कहा कि महात्मा बुद्ध को पेड़ के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने वट वृक्ष के नीचे ही गीता का ज्ञान दिया था। इसके अलावा संत और सन्यासियों ने वृक्षों के नीचे ही तपस्या की थी। वृक्षों का महत्व हम सभी के जीवन में है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमने 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत 75 साल से अधिक आयु के वृक्षों के रखरखाव के लिए 2500 रुपए प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया है। इसमें बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अनुसार हर वर्ष बढ़ोतरी भी की जाएगी। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से इनकी आयु की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर अमृत सरोवर की एक महत्वपूर्ण योजना की शुरुआत की है। जोहड़ हरियाणा के गांव वासियों की जीवन रेखा है और इनको पूजा जाता है। इन जोहड़ों पर अब छायादार वृक्ष नहीं हैं, अतः इसी कड़ी में आज राज्य के 22 जिलों के 2200 ग्रामीण जोहड़ों पर बड़ पीपल नीम और पिलखन के पौधे गणमान्य व्यक्तियों की ओर से रोपित किए गए हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव इसके ऊपर एक आह्वान किया था कि हम लोग गांव-गांव में जो तालाब है हमारे उन तालाबों का संरक्षण करें और तालाबों के आसपास सिर्गिर्द पेड़ लगाएं। हर जिले में 75 तालाब इनका संरक्षण का उन्होंने आह्वान किया है। तो ये जो अमृत सरोवर नाम उनको दिया, ऐसे अमृत सरोवरों का हरियाणा में हमने काम करना शुरू कर दिया है। इस वर्ष में 2200 ऐसे तालाब चिन्हित किए गए हैं जिनको अमृत सरोवर के रूप में उनका विकास भी किया जाएगा और उनके इर्द गिर्द पेड़ पौधे लगा करके एक हरा वन ये वहां विकसित हो उसका भी हमें लाभ मिलेगा। 73वें वन महोत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने मोरनी क्षेत्र के 50,000 एकड़ में औषधीय पौधे लगाए जाने की योजना बनाई है, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। सीएम ने हरियाणा में 75 साल से ज्यादा आयु के वृक्षों के लिए प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की है और 75 साल के पेड़ों के लिए प्रतिवर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान किया गया है। और सबसे खास बात यह है कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जो पेड़ों के लिए भी पेंशन देता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश भर में और ऑक्सी वन बनाए जाएंगे। इसके तहत 5 एकड़ से 100 एकड़ पर सैकड़ों की संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। अभी तक पंचकुला, करनाल, सोनीपत और यमुनानगर में ऑक्सी वन बनाए गए हैं। भविष्य में इसे और जगहों पर भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेड़ बहुत कीमती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी वृक्षों की महिमा को सम्मान दिया है और एक वृक्ष की कीमत पूरे 72 लाख मानी है।
सीएम ने कहा कि हमें पेड़ों को संरक्षित करना चाहिए। किसी पेड़ को यदि कोई बीमारी है तो तत्काल वन विभाग को सूचित करना चाहिए। वन विभाग के पास इनसे जुड़ी बीमारियों की दवाई उपलब्ध होती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्योंसर गांव के लोगों की मांग पर स्योंसर से इसाक तक की सड़क को चौड़ा करने की घोषणा की। इसके साथ साथ नीमवाला में मंडी बनाने की फिजिबिलिटी चेक करवाई जाएगी, इसके बाद इसे बनवाया जाएगा। कोविड की बात बहुत आ गई है कि कोविड के समय ऑक्सीजन की जो कमी पड़ी उस समय ध्यान में आया कि ऑक्सीजन बढ़ाने का तरीका वो पेड़ ही है। पेड़ का एक अपना कारखाना ऐसा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ऑक्सीजन छोड़ता है। तो हमने ऑक्सीवन की जो बात कही, सारे प्रदेश में 5 एकड़ से 100 एकड़ तक हम यानी सैकड़ों की संख्या में पार्क बनाने जा रहे हैं। करनाल में हमने, पंचकुला में अभी जो दो और बताए गए हैं, एक तो सोनीपत में मूर्थल और यमुनानगर में सढ़ोरा, यहां भी दो बड़े बड़े जो वन हैं वो लगाए गए हैं और इसका विस्तार हम और ज्यादा करेंगे। आप लोगों का सहयोग इसमें चाहिए, आप सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। इस मौके पर वन और वन्य जीव मंत्री कंवरपाल गुज्जर, क्षेत्र के सांसद नायब सिंह सैनी, खेल मंत्री संदीप सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आज पानी मिल भी नहीं रहा और जो है वो भी ठीक नहीं है। तो ये सारी जो समस्याएं रही इनका एक ही कारण है कि हमने चिंता नहीं करी। जो हमारे बुजुर्ग थे जिस टाइम जंगल वगैरह थे, तो उस टाइम जंगलों के टाइम में भी स्थिति थी कि अगर कोई व्यक्ति पेड़ काट देता तो लोग उसकी तरफ ऐसे देखा थे जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और ऐसी घटनाएं आपके ही गांव की होंगी कि किसी ने पिपड़ का पेड़ काट दिया और पंचायत हुई होगी गांव में और उस पर जुर्माना लगा होगा। ऐसा आपके गांव में 50 साल पहले ऐसा होया होगा जब पेड़ थे। लेकिन आज किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि भाई क्या होगा क्या नहीं। बोला पेड़ तो इसका अपनी मर्जी, काटो ना काटो, हमने क्या लेना इसका। तो ऐसी हमने उदासीनता दिखाई दी। तो आपने इस कार्यक्रम में देखा कि हरियाणा सरकार हरियाणा प्रदेश में पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए कई अहम फैसले हरियाणा सरकार ने लिए हैं। हरियाणा की हरियाली को बरकरार रखने के लिए मनोहर सरकार ने प्रशासन के साथ साथ प्रदेशवासियों से भी अपील की है कि वो जगह जगह पर पौधारोपण करें, प्रदेश में पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लें। फिलहाल आज के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।